प्रधानमंत्री सूफी संवाद के कार्यक्रम का हुआ आयोजन नागौर। केंद्र सरकार के द्वारा पूरे देश में चलाए जा रहे प्रधानमंत्री सूफी संवाद अभियान के तहत शनिवार को सुबह दरगाह बड़े पीर साहब में भी प्रधानमंत्री सूफी संवाद के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरगाह के सज्जादा नशीन सैयद सदाकत अली जिलानी ने बताया कि इस कार्यक्रम का आयोजन कासम अली राठौर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश मंत्री राजस्थान व भाजपा सूफी संवाद प्रदेश प्रभारी राजस्थान की देखरेख में हुआ। जिलानी ने ये भी बताया कि कार्यक्रम से पूर्व भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा शहजादे गौसे आजम सैयद सैफुद्दीन अब्दुल वहाब जिलानी के मजार शरीफ पर चादर और फूल पेश किए गए और कसम अली राठौर सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं की दस्तारबंदी की गई। दरगाह के सज्जादा नशीन सैयद सदाकत अली जिलानी, कासम अली राठौर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश मंत्री राजस्थान व भाजपा सूफी संवाद प्रदेश प्रभारी राजस्थान सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री सूफी संवाद पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान कासम अली राठौर के केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जो योजनाएं अल्पसंख्यक वर्ग के हित के लिए चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं की भी विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के तहत बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है और शहर के और भी कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। दरगाह बड़े पीर साहब सज्जदा नशीन जनाब सदाकत अली जिलानी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य इमरान खान मास्टर, पूर्व महामंत्री शहजाद आलम अंसारी, पूर्व जिलाध्यक्ष जाकिर भट्टी पार्षद कैलाश तुलावत, प्रमोद बकलीवाल, पूर्व जिला महामंत्री अली असगर अंसारी, नगर अध्यक्ष मुनीम जी, नगर उपाध्यक्ष अनवर काजी अख्तर गनी, करीम सिलावट, भाजपा कार्यकर्ताओं के अलावा मुस्लिम समाज के गणमान्य नागरिक हाजी मंसूर, सईद चिश्ती, लियाकत, जफर भाई, जाकिर हुसैन, हाजी गुलाम मुस्तफा, अल्ताफ, कलीम, सदीक, भवरू खान, याकूब व अन्य बासनी कुम्हारी के ग्रामीण भी मौजूद थे। क्यों सर जो हमारे बीच में आए हुए हैं, बाकी की बात वही बताएंगे। नागौर शहर की इस पवन दरा पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा सूफी संवाद प्रदेश प्रभारी के हिसाब से मुझे यह नागौर शहर से और बड़े पीर साहब दरगाह शरीफ से करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास के तहत जो कार्य कर रही है उसके हिसाब से मैं आप लोगों के बीच और पीर साहब और सरपंच साहब और पार्षदगण और पूर्व पार्षदगण अख्तर भाई और बासनी कुमारी के और शहर के
जो मौजूद हजरात या तशरीफ लाए, इन सब का स्वागत व अभिनंदन। क्योंकि नागौर शहर राजनीति के लिहाज में और पूरे राजस्थान के अंदर मशहूर है, क्योंकि नागौर शहर से पंचायती राज की स्थापना हुई 1959 के में, नागौर शहर से स्थापना हुई और इसी स्थापना के उपलक्ष्य में भी ये नागौर मशहूर है। और इसी तरह यहाँ से सूफी संवाद अभियान इंशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसका आगाज हो रहा है। और इसका मतलब ये अल्पसंख्यक योजना की जो हित के लिए योजनाएं कार्य कर रही है उनका जनता के बीच जाकर बताना कार्यकर्ताओं का ये कर्तव्य बनता है। इसलिए हमने प्रधानमंत्री जी द्वारा जो योजनाएं हैं हिंदुस्तान के अंदर अल्पसंख्यक हित के लिए चलाई जा रही हैं, इस सूफी संवाद के तहत मौलाना दरगाह शरीफ के खादी और गद्दी नशीन हजरात पीर साहब औले इकराम के जो रिश्तेदार साहबजादे, उनसे मिलना ये मोदी जी का संदेश है। कभी सूफी संवाद के जरिए उनसे आप बातचीत करो, यानी पसमादा समाज यहाँ आए और इंशाल्लाह पीर साहब को आपने बताया कि भाई मोदी जी ने अल्पसंख्यक योजना के लिए जो योजनाएं चलाई हैं उन योजनाओं के जरिए अपने समाज को कितना फ़ायदा हुआ और फ़ायदा दिलाना इंशाल्लाह हमारा कर्तव्य है। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। जिलानी सज्जादा नशीन दरगाह बड़े पीर साहब नागौर शरीफ राजस्थान आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि सभी को मालूम है कि हमारे प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र जी मोदी के द्वारा पूरे देश में सूफी संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उसी के तहत आज नागौर दरगाह बड़े पीर साहब में भी सूफी संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये एक अच्छी चीज़ शुरुआत है कि इससे बैठने से सब लोगों का मेल जोल अच्छा बढ़ेगा और जो भी समस्याएं होंगी एक दूसरे के सामने आएगी, तो चीज़ें जहाँ जहाँ भी सूफी संवाद हो रहे हैं तो उन वहाँ से भी उन लोगों से भी सब कहना चाहूँगा इस कार्यक्रम में आप जरूर शिरकत करें। अस्सलाम वालेकुम। सरकार की तरफ से जो ये योजना लाई है अल्पसंख्यक समाज के लिए, तो इनमें सबको जुड़ना चाहिए। इसमें क्या जुड़ा होगा, जब भी आप लोग एक दूसरे की मन के विचार और आपस सामने आएंगे और ये इनको जिम्मेदारी दी है कासम भाई को, तो आप सबसे उम्मीद है कि इस योजना के साथ जुड़े और आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और मोदी जी का भी अच्छा समझाइश होगी और आपसे बातचीत भी अच्छी होगी। हाँ जी बताइए, ये जो है इसके बारे में। ये जो सूफी संवाद है ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब जमाल सिद्दीकी साहब और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी और भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का ये संदेश है सूफी संवाद के जरिए, यानी उन दरगाहों पर खानकाहों पर उन बुजुर्गान दीन के जो साहबजादे हैं या उनकी नस्ल से जो भी परिवार के हैं सदस्य हैं उनसे मिलो और उनको ये बताओ और मौलाना है उनसे भी बातचीत करो ताकि जनता में ये संदेश जाए कि भाई केंद्र की जो सरकार है अल्पसंख्यक हित के लिए जो योजनाएं चला रही है उन योजनाओं के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार और प्रसार के माध्यम से उन सूफी संवाद के माध्यम से उन तक पहचान बनाकर उनको ये बताएं कि भाई प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं देश हित के लिए, जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के तहत जो कार्य कर रहे हैं उसके अंदर अब मौलानाओं की और सूफी संवाद के जरिए इनकी भी भागीदारी होगी इंशाल्लाह। अब केंद्र की सरकार जो कार्य कर रही है वो जनता के हित के लिए कर रही है। अब आप कहाँ कहाँ इस प्रोग्राम को करना चाहेंगे? हम पूरे राजस्थान के अंदर कर रहे हैं, जैसे कोटा हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमीद मेवाती साहब ने किया और जोधपुर जयपुर के अंदर किया, और जोधपुर संभाग का मैं प्रभारी हूँ तो मुझे वहाँ का भी जोधपुर में भी हमारे कार्यकर्ताओं ने अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी द्वारा हुआ। और अब नागौर में भी आज ये दरगाह, क्यों नागौर वो दरा है जहाँ सूफी संतों की दरा है, इसलिए यहाँ से आगाज बहुत ही बड़ी बात है। यह आगाज हुआ तो इंशाल्लाह पूरे राजस्थान के अंदर दरगाहों के खानकाहों के साहबजादों से मुलाकात होगी और वो मोदी जी की योजनाओं से लाभान्वित होंगे इंशाल्लाह। जी आज ये जो प्रोग्राम हुआ है इसके बारे में थोड़ा बताएं कि भाई इसमें क्या, इसमें वो अच्छा प्रोग्राम रहा। कासम अली जी हैं जो प्रभारी सूफी संवाद के, इनकी मेहनत है और जगह राजस्थान में इनको प्रभारी बनाया गया है
तो जगह जगह तो कोटा में बता रहे हैं, जैसे कोटा में हुआ, जयपुर में हुआ, जोधपुर हुआ, नागौर शहर में यहाँ बड़े पीर साहब दरगाह में भी सूफी संवाद का जो कार्यक्रम हुआ है वो अच्छा हुआ है इंशाल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है कि पूरे देश के अंदर ही सूफी संवाद का कार्यक्रम बहुत कामयाब जाएगा और मोदी जी का जो भी संदेश है वो अल्पसंख्यक के लिए वो जाएगा, सबके लिए होगा और हमारी भी समस्याएं होगी जो भी जब साथ साथ बैठेंगे हम सूफी संवाद में तो एक दूसरे का आदान प्रदान होगा, तो बहुत अच्छी शुरुआत है ये, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।